गाइज अभी बजे है 12:41 दोपहर के 1 बजे के करीब टाइम हो चुका है और अभी हम लोग हैं अपने होटल के बाहर। तो मैं यहाँ पे अभी आई हूँ अपना फ़ोटोशूट कराने। मैं लोकेशन देख रही हूँ अच्छे से जहाँ पे प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आ जाए मेरी, क्योंकि आज मैंने कुर्ती पहनी है ना, इसलिए मेरे को अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए इंस्टाग्राम के लिए। तो आप भी इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार पर्सनल अपडेट्स के लिए। यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा होगा प्रोफाइल इंस्टाग्राम का। और बाकी लोकेशन देखो भाई कहाँ है कहाँ नहीं। खाना वाना हमारा एकदम डन है, सॉर्टेड, खा लिया हमने एकदम भर पेट खाना खा लिया, क्योंकि आपको पता है ना भूख कंट्रोल नहीं होती है, बताती रहती हूँ मैं हमेशा। खाना हो गया, बाकी भाई देखो यार कोई अच्छी सी लोकेशन जहाँ पे प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक हो जाए यार, अच्छी आए जहाँ पे। अभी हमारा ब्रेक टाइम। शैली टायर्ड बहुत ज़्यादा, हमसे तो पूछो हम 1 मिनट आँख नहीं लगाई है, सोते कैसे हैं। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे खाने को? इधर पोंगा पकेट, खीरा, नारियल पानी जूस। नारियल पानी जूस और यहाँ पर ये ट्रेडिशन क्या है कि गाय के साथ ही जूस निकाला जाता है, मशीन नहीं क्यों नहीं है, मच्छी नहीं रखते खत्म हो, तो इनको भी इतना परेशान कर। तू इधर आए गए आपको मच्छी दिखा? एक भी नहीं दिखा, वही पूछ रहा हूँ ना इधर मशीन क्यों है, ऐसा क्यों है ये तो बता दो। इधर मशीन का नहीं चलता दीदी, वो ऑयल गलता है मशीन का, इनको दर्द नहीं होता होगा इसको, नहीं होता मुझको खाने जब तक खिलाते हैं ना उसको दर्द नहीं होता। क्यों होगा हर जगह ये कर ना, अभी उसको खान नहीं खेलेगा वो पाक को जानता है। हाँ सही कि नहीं? चलो आज ट्राई करते हैं। तुम पहली बार किया हुआ है बट ये रिट्स पहली बार देखी है, मैंने ही बोला पहली बार ये पहली बार पी रहे हैं, अजीब सा लग रहा है देख के। पहली बार पिए ना आप जूस? ना ना मैं तो पहली बार आई हूँ, शेडी पहली बार आई हूँ, पहली बार जूस पी रहे हैं इसका अभी पी। हाँ, अभी पहली बार बनाओ ना, पी के देखो बाद में समझ आएगा आपको। चलो ठीक है बनाइए, 3 ग्लास बना देना। चलिए तो चलिए अभी कहाँ जा रहे हैं हम गन्ने का जूस पीने के बाद? मैं तो बहुत थक गया हूँ। हम जा रहे हैं आज नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारी शनि सिंगनापुर जा रहे हैं। तो आप बता रहे थे ना कुछ मतलब कि मतलब वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शनि मंदिर है जो शनि सिंगनापुर है। कभी वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने? ओपन कितने बजे होता है? आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि यहाँ पर किसी भी घर में दरवाजे नहीं होते, आगे दिखाऊंगा। दरवाजे नहीं होंगे घर में, चोरी नहीं हो सकती थी, कहा जाता था कि यहाँ पर किसी ने चोरी की है वो इस गांव से बाहर ही नहीं निकल सकता था। अच्छा तो चोरी होती नहीं है यहाँ? चोरी होती नहीं थी पहले, नहीं होती थी अभी का मुझे पता नहीं कि होती है या नहीं होती, पहले बोलते थे कि चोरी होती नहीं है। Okay. ये किसी से बता भी कर सकते हो आप, किसी गांव वाले से पूछोगे ना हिस्ट्री पता करोगे तो वो बताएंगे। तो चलते हैं गाइस, अभी थोड़ा सा ब्रेक टाइम चल रहा है हमारा, शनि सिंगनापुर चल रहा है ठीक है, जो बहुत ही प्यारा बहुत ही बड़ा मंदिर है, दर्शन करके आते हैं और बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में आपको, दिखाते हैं वहाँ का व्यू, वहाँ का नज़ारा कैसा है, कितना सुकून है कितना नहीं, दिखाते हैं आपको चल के। इसकी प्यारी माँ और ये है इसका बच्चा, अब देखना मैं जब इसको ऐसे टच करूँगी, इनको प्यारा है वैसे, गुगे ओए मेरा बेटा मेरा मेरा बेबी, ये देखो टिड्डे से को देखो, टिड्डू उठ जा, इसका नाम रखूँ शैली शैली हाय बेबी हाउ आर यू, खाने के लिए गुस्सा आ रहा है, नहीं काटेगा तो नहीं है, देखो नहीं काट रहा है। आ गया, इसकी मम्मी आ रही है कि मेरे बच्चे को छेड़ रही है, प्यारा सा गंदा सा प्यारा सा, ऐसे कैसे सो रहा है, छोटी छोटी आ गया, तू अभी पैदा हुआ है क्या, बता तो दे गए गुगू मेरा बच्चा।
क्योंकि मेरे खीरे भी है और तू वफादारी निभाने के जाए दगाबाजी कर रहा है, मेरे को ही काट रहा है। बोल बीच कैसे काट रहा है। उगे नहीं नहीं मेरा बच्चा, खीरा दो, खीरा लेके आओ इसके लिए, खीरा इधर लेके आओ। गुगे तू तो पारक है गुगु, कह रहा नींबू वाला और लाल मिर्ची डाल के खाऊंगा। ओए गुगे जो मैं बता रहा था आपको, अपने ड्राइवर दादा से पता करते हैं कि शनि महाराज के यहाँ पर जो हिस्ट्री में बताया गया कि यहाँ पर दरवाजे नहीं होते, जो दादा से पता करते हैं। दादा बोलते हैं ना कि शनि अपना शनि शिंगनापुर में चोरी नहीं होती थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत लंबी कहानी है भैया, ये स्वयंभू शनि भगवान है, पानी में बहते हुए आए थे, जो पानस नाला है वहाँ पे पानी में बहते आए थे उस टाइम में। बहुत पुराने बात है, तो बहुत कम लोग थे उधर, तो उन्होंने वो मूर्ति जो है मामा भांजा जो रहता है ना उनके हाथ से उठा के लेके आए थे, वो दूसरे लोगों के हाथ से उठे नहीं। हाँ ये मैंने सुना था कि कोई नॉर्मल बंदा उसे उस शिला को उठा ही नहीं पाया थे। सो एक मामा और भांजे की जोड़ी ने ही वो शिला को उठा करके यहाँ पर स्थापित किया था। तो ये सच बात है। हाँ तो चोरी का क्या किस्सा है वो बताएंगे कुछ। चोरी का ऐसा है, शनि भगवान का एक लीला थी वहाँ पे, जो दरवाजा जो है हर एक घर को द्वार बैंक को किसी भी वो दरवाजा नहीं लगना चाहिए, मैं जैसे खुला हूँ वैसा पूरा गाँव खुला रहना चाहिए। अरे वाह, देखने को मिलेगा यहाँ पर दरवाजे जो नहीं है कुछ कुछ है अभी, कुछ अभी लोग हैं है ना। अच्छा तो दिखाना हमें भी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर वो दरवाजे नहीं है। हाँ और मैंने ये सुना भी था कि मेरे दोस्त लोग भी आए थे, उनका पर्स गाड़ी के ऊपर रख के चले गए थे, वो पर्स भी वहीं रखा रहा। ऐसा है यहाँ पे चोरी होता नहीं है, अगर चोरी हो भी गया तो आदमी जो है गाँव के बाहर जाता नहीं। अच्छा वहीं पे घूमता है, मैंने बताया था ना आपको, वहीं घूमता रहता है। हाँ ये शनि महाराज की कृपा है, आपकी चोरी नहीं होती है यहाँ पर। और अभी तो कलयुग चल रहा है, अब तो हो भी जाती हो तो बड़ी बात नहीं है। नहीं होता नहीं है। हाँ क्योंकि पहले से नहीं होता है। चलो अभी आगे देखते हैं, दादा बता रहे हैं कि वो घर देखने को मिलेंगे जहाँ पर दरवाजे नहीं होते। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे। पुजारी ब्राह्मण ने रहते हैं अपनी पूजा अपने हाथों से करने का, ये स्वयंभू शनिदेव की मेन मूर्ति है। मंदिर में ऐसे त्रिशूल रहता है, अपने अपने नामों से ही काला कपड़ा, रुई का पत्ते का माला, दोनों चीज बाबा के त्रिशूल के ऊपर चढ़ा देने का। पहली बार है दूसरी बार है फर्स्ट टाइम? पहली बार, इनका पहली बार है, मैं तो आया हूँ। पहली बार दूसरी बार हो तो नारियल अपने शरीर को टच करके ऊपर छोड़ देने का बॉक्स में, दान करने का, लेके न आने का। होम कुंड चालू रहता है, अगरबत्ती अपने नाम से होम कुंड में डाल देने का जल जाएगा। मूर्ति का कुंड उधर तेल डालने का, और तुलसी मूर्ति के ऊपर अभिषेक होता है, फूल प्रसाद मूर्ति के सामने चढ़ा देने का। पूजा होने के बाद वापस आते समय ये चीज़ अपने घर लेके जाने का, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअली वहाँ पर रहते हैं, इनका घर है हरियाणा, सो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकती है। बड़ा सिंपल सा बताओ चलेगा, ये चाहिए तो घर भी ले लो, नहीं चाहिए तो मंदिर में भी छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने का नहीं है ना, अपने मन से करो, ये पूरा 350 का है, ये नहीं जो चीज़ें अभी अभी जो चढ़ सकती है ना, ये वो चीज़ बता दीजिए। मंदिर में चढ़ाने वाला 150 का रहता है। हाँ ये दे दो, मंदिर में छोड़ देना, तीन दे दो। ये आपको धागा चाहिएगा हाथ में, नहीं तो गले में बांधने के लिए, ये लेके आ जाओ, इधर से बांध लो। जब आप वापस इधर से जाओगे तो उधर जाते जाते किधर भी पानी में छोड़ो, नहीं तो पेड़ के नीचे। हाँ वो शनि की 7:30 निकलता है। ठीक है उनकी इच्छा मनोकामना पूरी। तो अभी ये वाला थाली हमें दे देता है।
ये चाहिएगा पर्स में रखने के लिए? नहीं, मेरे पास है ऑलरेडी। ये सब मंदिर में छोड़ दो, कुछ मैं वापस लेके आ जा। पूजा होने के बाद पीछे मुड़ के पलट को देखने का नहीं, वापस आने के बाद इधर हाथ पांव धोने का, बालों को सर को चिटा मारने का, हरिओम शनि बोल के सूर्यदेव को शनिदेव को नमस्कार करने के बाद पूजा का पैसा उधर देने का। नीलांजन समावासन जाते हुए रोड लिया बिकॉज ऑफ एक डॉगी जिसकी हेल्प नहीं कर पाई। क्या हुआ फिर से? एक बार शक्ल दिखाओ, क्यों रो रहे हो आप? ये देखो रो रही है। एक्चुअली एक डॉगी था जो कि यहाँ पर बहुत देर से तड़प रहा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार था, कुछ कर भी नहीं सकते थे। यहाँ के लोगों से हेल्प करने के सोचा हम लोगों ने, बट वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, सो हमें ऐसे ही छोड़ के आना पड़ा। बट उसके आने के बाद इसकी ये हालत है, आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यार करती है डॉग। अभी देखते हैं, अभी इसको चुप कराने के बाद फिर इसी से बात करते हैं नेक्स्ट। सो गाइस अभी रिट्स बैक टू पवेलियन, लाइक अभी स्माइल आ चुकी है, इसको समझाया थोड़ा सा, एक्चुअली हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। सो अभी इसी से बात करते हैं कि इतना क्या पेन बुरी लगी। वो जो इंसान था ना, वो बोल रहा था कि ना ये मरने वाला है थोड़ी देर में, मतलब किसी को मरते हुए छोड़ दोगे? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना उसको बचाने की। कोशिश तो हम लोग कर ही रहे थे ना, लाइक उसके पास पानी लेकर के गए, वो नहीं पी रहा था, क्या कर सकते यार। डॉक्टर नाम की कोई चीज तो होती होगी, इतने छोटे से गाँव में कहाँ से डॉक्टर लेके आए, वो भी एनिमल डॉक्टर, हम लोग बहुत नए यहाँ पर। मरने के लिए अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, मरने के लिए अकेले छोड़ दो। ऐसे होता है कई बार, मेरे को डॉगी दिखते हैं ना उनके साथ कुछ बुरा होता है या फिर वो तड़प रहा होता है, दर्द में होता है, तो मेरे को रोत रोना आता है, मैं हेल्पलेस फील करती हूँ कि इंसान होने के बावजूद कुछ कर ही नहीं सकते। अब पूरा पूरी रात ऐसे ही रहेगा मेरे साथ। वो जैसे रो रहा था ना, वो उसकी जैसे आवाज़ आ रही थी तो मैंने उठाई। आपने उसकी हालत देखी थी कैसी? मरने वाला था वो, मैं उनको पता था, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते। कोशिश क्या, उसको पानी पिलाने के लिए रखा? कितना दर्द हो रहा होगा उसे, हमें कुछ लगती है हमें कितना दर्द होगा। कोई सामने नहीं आ रहा था, यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज है, कोई सामने नहीं आ रहा था। एक इंसान उस डॉगी को हैंडल थोड़ा कर सकता था यार, तीन चार लोग भी आते आगे उसको बचाने की कोशिश करते तो अब तक ठीक हो जाता। कोई हाथ तो लगाने के लिए सामने नहीं आया, मरने के लिए छोड़ दिया। पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, बारहवीं को पसंद है। पर निकाल के दिखा दो यार, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं क्या करूँ? क्या आपने ना इसकी जांघ ऊपर जा रही है ना ये बैटरी है, बस इसके हाथ ऊपर जा रहे हैं, बताओ। सस्ती बारहवीं है, किसी काम की बारहवीं है, कपड़े तो जल्दी बनाए। बस छोटे छोटे बच्चे हो गए ना, उनको दे देते हैं। मैं दूसरी बार
एक गिफ्ट लिया तेरे लिए, फेवरेट ही है। तेरी बंदी नहीं मान रही ना, मैं तेरे लिए बारबी डॉल लिया है। देख ले दो दो लिए एक भी। बाय बन बड़ा चाहिए तेरी। क्या बोला जाएगा, तो कैसा लगा? तो कैसा लगा मेरा मजा? कैसा लगा मेरा मजा? आगे खराब हो गई है, मेरा मेकअप भी खराब हो गया। 2.5 करोड़ का मेकअप खराब हो गया। 2.5 करोड़ की कीमत तुम क्या जानो शैली बाबू। सो गाइस, आई होप आपको हमारा ये शेडी स्पेशल व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम आई थी, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और दर्शन हो गए यार, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मेरा बहुत टाइम से मैं सोच रही थी शेडी आना आना है, बट वही जॉब के चक्कर में आई नहीं पा रही थी। बाकी फाइनली अब साईं बाबा के दर्शन हो गए, होपफुली सब अच्छा ही रहेगा। अच्छा तो है ही, और भी अच्छा हो जाए ऊपर वाले की दया से। बाकी गाइस, हमारा शेडी स्पेशल व्लॉग, अगर आपको एनर्जी आपको लग रहा है बिल्कुल डाउन लग रही है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक गया, 2 दिन से सोए नहीं है हम लोग दर्शन के चक्कर में, हम लोग फिर हम शनि मंदिर भी गए तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो चुका है, ठीक है, टायर्ड इतना है कि पता नहीं सकती। मैं जाके एकदम बेड पे सोने वाली हूँ बहुत गंदे तरीके से। तो आपको पता ही है हमेशा कि एक तरह क्या करना है, आपको पता है इतनी मेहनत कर रही है आपके रेट से यार, इतनी मेहनत कर रही है, बता नहीं सकती मेरी अभी हालत कैसी है, मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ। तो बस बदले में एक्सपेक्ट इतना करती हूँ मैं आपसे कि सिर्फ आप एक शेयर कर दो यार वीडियो को, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और व्यूज़ थोड़े से एक्सपेक्टेड व्यूज़ मैं चाह रही हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को ना एक शेयर ज़रूर किया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी लाइक ज़रूर करना और बाकी कमेंट करके बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा व्लॉग का। लव यू ऑल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, जितना अभी तक सपोर्ट किया आगे भी ऐसे करते रहना। इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल चल रहा होगा, मैं फुल नींद में बात कर रही हूँ भी आप लोगों से, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, लव यू।